माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज हम बात करेंगे भारत के द्वारा वियतनाम को दिए जाने वाले कृपण लड़ाकू जहाज के बारे में। भारत के द्वारा वियतनाम को वर्तमान में कार्यरत लड़ाकू जहाज उपहार के तौर पर दिया जाएगा। बता दें कि मोदी सरकार ये तोहफा वियतनाम को इसलिए दे रही है ताकि इन दोनों देशों के रिश्ते और सशक्त हो सकें। साथ ही इसके तहत इन दोनों देशों के मिलिट्री समझौते भी और मजबूत होंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और वियतनाम की दोस्ती की अच्छी छवि बखूबी प्रस्तुत होगी। मिसाइल कॉर्वेट INS कृपण जो खुरकी वर्ग की लड़ाकू जहाज है और इसे सन 1991 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। बताया जा रहा है कि अब इस लड़ाकू जहाज को वियतनाम के नौसेना को उपहार के तौर पर दिया जा रहा है। इस बात की घोषणा 19 जून को नई दिल्ली में किया गया है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक वियतनाम के काउंटर पार्ट जनरल फैन वैंग गैंग के साथ हुई थी। वियतनाम के रक्षा मंत्री का ये तीसरा भारत का दौरा है। हालांकि इस दौरे का मकसद ये है कि इन दोनों देशों के डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जाए, जिसके तहत मिलिट्री गठबंधन और डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े कई तकनीकी मसलों पर विचार विमर्श हो सके। हालांकि भारत के सुरक्षा अधिकारियों का ऐसा कहना है कि भारत के द्वारा उपहार में दिए जाने वाले लड़ाकू जहाज से वियतनाम की नौसेना को जबरदस्त फायदा होने वाला है और इससे उनकी क्षमता अगले स्तर पर जाएगी। हालांकि वियतनाम के रक्षा मंत्री ने इस दरमियान डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर का भी भ्रमण किया है, जिसके तहत इन दोनों देशों के वेपन सिस्टम के उत्पादन को लेकर की जाने वाली साझेदारी पर विचार किया गया है। भारत हमेशा से ही वियतनाम के साथ सभी रक्षा समझौतों को बढ़ाते आया है और इन समझौते में कई डील्स शामिल हैं, जैसे मिलिट्री लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट जिसे पिछले साल साइन किया गया था, ताकि इन दोनों देशों की मिलिट्री आपसी सहयोग के साथ ऑपरेट कर सके। बता दें कि इसके अलावा भारत के द्वारा ये भी घोषणा किया गया है कि वियतनाम को 2 सिमुलेटर और मॉनिटरी ग्रांट उपहार के तौर पर दिया जा रहा है, ताकि वहां के एयरफोर्स ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में लैंग्वेज और IT लैब्स का सेटअप हो सके। भारत और वियतनाम 2016 से डिफेंस के क्षेत्र में कई समझौते सूझबूझ के साथ निभाते आ रहे हैं। वियतनाम भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में एक अहम पार्टनर है। बहरहाल ये दोनों देश डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर काफी सजग दिख रहे हैं और इसका फायदा भी इन दोनों देशों को जबरदस्त होने वाला है। फिर ये दोनों देशों की मिलिट्री कोऑपरेशन को लेकर हो या फिर वेपन सिस्टम से जुड़े मसले को लेकर। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।